वेलकम टू अंडमान आइलैंड। भारत के बे ऑफ बंगाल में स्थित ये आइलैंड जाना जाता है अपने वाइट सैंड बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर और समुद्री जीवन के लिए। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है हिमानी और इस वीडियो में मैं आपको लेकर चल रही हूँ अंडमान आइलैंड। इस वीडियो में हम जर्नी करेंगे फ्रॉम अहमदाबाद टू पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में कुछ जगहें घूमेंगे और उसके बाद आपको ले चलूंगी बहुत ही सुंदर बारातांग की जर्नी पर। तो इस वीडियो को पूरे आखिरी तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी टू द अंडमान आइलैंड्स। तो दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट आपको मेन सिटीज से मिल जाएगी। हमने लिए अहमदाबाद से कोलकाता और कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट, जिसने 2.5 घंटे में हमें कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर उतार दिया। और पोर्ट ब्लेयर में क्योंकि हमने पहले से ही टैक्सी बुक कर रखी थी तो वो हमें पिकअप करने आ गए और हमें पहुंचा दिया हमारे होटल, जिसके लिए हमें लगे कुछ करीबन 30 से 35 मिनट टू रीच आवर होटल। थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को हम गए सबसे पहले देखने सेल्यूलर जेल। यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो भी होता है इवनिंग में, जो आप पहले से बुक करना ना भूलना क्योंकि एंड टाइम पे आपको शायद उसके टिकट्स ना मिले। और सेल्यूलर जेल घूमने के बाद, वहाँ की हिस्ट्री जानने के बाद, इतना अंदर से बुरा लग रहा था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जिन्होंने इतना कुछ सहा हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। और इस जगह को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर काला पानी की सजा दी जाती थी। और इस जगह को हम में से हर भारतीय को देखना ज़रूर चाहिए, वो फील करना चाहिए। इस जगह में कुछ है, मतलब आपको अंदर से दर्द महसूस होता है। और ये लाइट एंड साउंड शो तो बिल्कुल देखिएगा। पुराना पीपल का पेड़ जेल खाना बनने के इस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनका ख्याल था कि मुझे भी और पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए, लेकिन मैं बच निकला। मेरी किस्मत में शायद खड़ा रहकर इस जेल में होने वाली यातनाएं देखना लिखा था। हाँ जी एवरीबॉडी, तो राइट नाउ हम हैं ये फ्लैग होस्टिंग पॉइंट में, जहाँ पे इंडिया का फ्लैग पहली बार होस्ट किया गया था। और यहाँ अंडमान में उस टाइम पे रूलिंग थी जापानीज की। और 1943 आप देख सकते हो फर्स्ट ट्राइकलर होस्टिंग इन इंडिया। एंड वो समुद्र है सामने, रॉस आइलैंड है, और बहुत ही बेहतरीन सुंदर व्यू है, देखो। दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं, मतलब 7 बजने वाले हैं, और इस गरजती हुई बारिश में हम निकल रहे हैं बारातांग के लिए, विच इज़ 45 किलोमीटर्स फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। और देखो, अभी पता नहीं क्या मंजूर है ऊपर वाले को, कल से जब से लैंड किए तब से बारिश हो रही है, तो कुछ शूट करने का भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं। कल सेल्यूलर जेल गए थे हम, और उसके बाद एक ऐसी बीच देखा, बीच भी क्या देखा, मतलब जस्ट 100 किलोमीटर। अच्छा, टोटल 100 जाने जाने का, सिर्फ वन साइड इज 100। कल 45 बोल रहे थे, 3-4 hours का रास्ता है। ट्राइबल एरिया 45 किलोमीटर। ओके, ट्राइबल एरिया, हाँ हाँ। सो सॉरी गाइस, माय बैड, इट्स 100 किलोमीटर्स। तो हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लगेंगे यहाँ से पहुँचने के लिए और 3 घंटे आने के लिए। बाकी 2 घंटे जो है हम वहाँ पे फॉरेस्ट पूरा एक्सप्लोर करेंगे। बट फिंगर्स क्रॉस कि बारिश बंद हो जाए, अभी तो बहुत तेज़ हो रही है, नज़र नहीं आ रहा, ऊपर बादल ही बादल दिख रहे हैं, पूरा ग्लूमी हो रखा है। बाकी चलो, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मतलब दोनों ही उदास है यार, ऐसा है कि मैं इतने टाइम बाद ऐसे समुद्र देख रही हूँ, वो भी दिख नहीं रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है। ये अपने साथ ठंडक लेके आ गई पहाड़ों से, ड्राइनेस तो लाई हूँ ना अपने साथ, वो क्यों नहीं रही। हाँ, वो भी वो होना चाहिए था, अभी ठंडक की जरूरत नहीं थी हमें यहाँ पे, ड्राइनेस। दिस मेक्स मी रियलाइज कि आई एम गुड इन ड्राई वेदर ओनली, सीरियसली यार। मतलब
मतलब आइलैंड में से बारिश हो जाए ना तो पूरा मजा खराब हो जाता है. बाकी चलो कोई नहीं, दिन की शुरुआत हो चुकी है. लेट्स बिगिन द डे. इसमें ये गाड़ी में जी एवरीबॉडी तो एवरीबॉडी हम यहाँ पे चेक पोस्ट तक पहुँचे. यहाँ से अभी चेकिंग करा के देन फॉरेस्ट एरिया ट्राइबल फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट होगा, तो उसके लिए 9 बजे यहाँ से जाने देंगे. तो अभी 7:47 हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे चाय वाय पीते हैं, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करते हैं. ये क्या है भाई? पूरी का है शायद. हाँ मुझे डोसा बना रहा है इसमें तो सेफ नाश्ता है. इडली नो फ्राइड नथिंग, स्टीम चीज़ खाना सेफ रहता है. हाँ अच्छा भी है. बट आप ये बात मोमो से केस में नहीं बोल सकते कि स्टीम चीज़ खाना मोमो से सेफ रहता है. मैदा वाला है, मैदा इज़ नॉट हेल्दी. छाता ही सहारा है बोल रही हूँ. इसके बिना हम अभी कहीं, और अगर हवा चल गई ना तो ये सहारा भी उड़ जाएगा. हाँ ये सहारा भी, छत भी उड़ जाएगी हमारे सर से. अभी यहाँ पे सारी गाड़ियाँ वेट कर रही है. 9 बजे निकलेंगे यहाँ से, तभी सारी गाड़ियों को जाने देते हैं. तब तक यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे हमारी आईडीज ली है, कुछ रजिस्टर कराते होंगे एंड देन हम फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे. और फॉरेस्ट के अंदर शूट करना स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि ट्राइबल रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बिल्कुल शूट नहीं कर सकते हम. गाड़ी से चुपके भी नहीं कर सकते. नहीं मैं तो एवरीबडी टू ड्राइव करके हम एक पॉइंट तक पहुंच गए जहां से हमें अभी बोट में बैठना है, बड़े वाली जिसमें कार्स भी जाएगी सब जाएगी. और उसके बाद ये क्रॉस करके हम अंदर जाके दूसरी बोट में मैंग्रोव जाएंगे, अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट. बारिश अभी भी हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, पर हम भी नहीं रुक रहे हैं. देखते हैं क्या होता है. ये सारी गाड़ियाँ इस बोट में जाने वाली है. कहाँ अंदर जा रही हो? बोट से पहुँच गए हैं बाराटाग और पूरे का पूरा भरा हुआ है. ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और यहाँ से हमें जाना है मैंग्रोव, वो भी बोट में. हाँ जी, इससे पहले मैं 2 बार मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंने देखे हैं और बहुत ही अच्छे क्लियर वेदर में, तो उसका मज़ा ही अलग होता है. ये वाला एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस है, पर क्या करें इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक हाथ से छाता पकड़ना पड़ रहा है पूरे टाइम और एक हाथ से फिर ब्लॉक करो. तो ये है जी बाराटाग. और इसकी जो टिकट थी वो कुछ 13 रुपये थी पर पर्सन, और इसमें बसेस भी है, गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ चढ़ के आई है वहाँ से यहाँ तक. और आगे जो डिगलीपुर है, जो रॉस स्मिथ आइलैंड है, वहाँ तक जाने के लिए भी फिर यहीं से बसेस ऐसे क्रॉस होती है और फिर यहाँ से रोड है. तो ऐसी जद्दोजहद लगती है यहाँ के लोगों को रोज़ की रोज़ इधर से उधर जाने के लिए. कोई नहीं जाता होगा रोज़ के रोज़ जो बस वाले जाते हैं, जिनका काम है वो तो जाते ही हैं. बाकी टूरिस्ट जो है वो 3-4 दिन के लिए जाते हैं अगर जाते हैं तो, क्योंकि ज़्यादा ऐसे जल्दी एक दिन में जाके आने वाला सीन है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है. चलो अभी चलते हैं वहाँ से, हम इधर आए हैं उधर से. पहना दिया गया है लाइफ जैकेट. देखिए वीडियोग्राफी करते करते सामने भी देखिए.
एवरीबॉडी, तो अब हम लाइमस्टोन केव के अंदर थे अभी, वहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा डार्क था, तो इतना जैसे उसमें क्लिप डालूंगी, बट उस टाइम पे व्लॉग नहीं किया। अभी वापस जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ, ओ सॉरी, देखा आपने, बस ऐसे ही हो रहा है। बड़ी मेहनत से यहाँ तक चल के आए हो, बारिश में भीगे गए हैं पूरे जूते वूते, और एक तरफ खुद को संभालो, कैमरा पकड़ो, छाता पकड़ो। बाकी यहाँ पे अंदर लाइमस्टोन केव थी वो देख ली है, अभी हम वी आर गोइंग बैक।